नमस्कार दोस्तों, परिणाम अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि अंतिम चरण सीरीज में ईवीएस में पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पे हमने कल के टॉपिक में देखा है कि फूड फूड में क्या है। आज सेकंड में हम देखेंगे जितने भी स्टेट हैं तो उनके कुछ स्पेशल फूड है, तो वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बिहार की जो एससीईआरटी है उसमें भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने कल पढ़ा था टेस्टिंग के बारे में। हमारा फूड का जो सब थीम है वो पहले क्या थी, टेस्टिंग। टेस्टिंग में हमने टंग का देखा, जीभ, जिसमें हमने अलग अलग जो स्वाद कलिकाएं होती हैं उसके बारे में। उसके बाद आएगा डाइजेस्टिंग। डाइजेस्टिंग में ये पार्ट क्या है कि ये साइंस में पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन कुछ फैक्ट हैं जो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारी जो लार होती है, हमारे मुंह में जो लार पाई जाती है उसका पीएच कितना होता है। लार में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एमाइलेज। और इसका पीएच होता है 6.8, जो कि कैसा होगा, बेसिक। मतलब इसका पीएच, लार का पीएच जो है वो क्षारीय होता है। उसके बाद जैसे ये हो गया लार, और फिर है स्टमक। जैसे कि हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो स्टमक, स्टमक का जो पीएच होता है वो 1.5 से 3.5, जो कि कैसा है, एसिडिक। ये एसिडिक होगा। अब जैसे हम कोई भी फूड या खाना जो खाते हैं तो वो हमारे कैसे पहले माउथ से माउथ में जाएगा, तो वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कल हमने फूड के जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। तो माउथ में जब कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे 30% डाइजेशन यहाँ हो जाता है, जो कि क्या है, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होगी वो स्टार्च, तो उसका 30% डाइजेशन, मतलब अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो 30% उसका डाइजेशन आपका आपके मुंह में ही हो जाता है, मतलब माउथ में हो जाएगा। किसकी वजह से होता है, जो एंजाइम प्रेजेंट होता है एमाइलेज की वजह से, ठीक। तो उसके बाद माउथ से वो किस में जाएगा, ओसोफेगस में। ओसोफेगस में जो एक नली होती है आपके माउथ से, यहाँ से जाएगी नली। उसके बाद ये किस में खुलती है, स्टमक में। स्टमक, स्टमक कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, जिसका पीएच कितना होगा, 1.5 से 3.5, ये आपको याद रखना है। और ये कि इसका पीएच क्या होता है, लार का, लार में जो एंजाइम प्रेजेंट होगा, और स्टमक का पीएच कितना होगा। तो ये स्टमक के बाद क्या होता है हमारे, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कहें अगर, तो 90% जो डाइजेशन होता है वो किस में हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि छोटी आंत में। छोटी आंत में हमारे जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनका डाइजेशन हो जाता है। स्टमक क्या होगा, अमाशय। उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा कि यहाँ पे जो डाइजेशन होगा है होता है वो किसका होता है, वाटर का। मतलब यहाँ पे वाटर सबसे ज्यादा, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो बड़ी आंत में होता है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो किस में होता है, बड़ी आंत में होता है। और जो भी छोटी आंत में, क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये क्या है, डाइजेशन, छोटी आंत। फिर इसके बाद डाइजेशन के बाद क्या था, कुकिंग। कुकिंग में क्या होगा कि कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम कुकिंग करते हैं। ये सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आप बायोलॉजी में, साइंस में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम बस थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी स्टेट के अदर फूड हैं वो चीज़ें, डाइजेस्टिंग के बाद क्या है, कुकिंग। कुकिंग, अब भोजन को हम कई तरह से पका सकते हैं, आप सब जानते होंगे। जैसे पहला क्या है, रोस्टिंग, रोस्ट करके हम। दूसरा क्या है,
रोस्टिंग बाय फायर, मतलब डायरेक्ट हम आग में रोस्ट करते हैं, तो वो हो जाएगा बॉइलिंग है। तो ये कई सारे क्या है, ये मेथड है, मेथड ऑफ कुकिंग, मेथड ऑफ कुकिंग। इसके बाद आपका क्या आएगा कि फूड हम देखेंगे सारा। बॉइलिंग हो गया, रोस्टिंग हो गया, एक और है जैसे फ्राइंग, तल भूंज कर भी हम चीजों को खाते हैं। अब जैसे यहाँ फैट भी हम ज्यादातर देखेंगे, जैसे कि क्या है, कचनार का जो फूल होता है कचनार के फूल की सब्जी किस स्टेट में खाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। और दूसरा क्या है, सहजन का फूल। सहजन का फूल आप सबने देखा होगा, सहजन का फूल सहजन के फूल की पकौड़ी कहाँ खाते हैं? महाराष्ट्र में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सहजन हो गया। उसके बाद है जैसे केला, केले का फूल आप सबने देखा होगा, केले के फूल की भी सब्जी बनती है। ये कहाँ बनती है? केरल में। केले के फूल की सब्जी केरल में, सहजन के फूल की पकौड़ी हम कहाँ देखते हैं खाने के लिए? वो महाराष्ट्र में है, और उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। जैसे कि गुजरात में क्या होता है, गुजरात में आपका खाखरा दाल, ये वहाँ का स्पेशल फूड है। क्या है? खाखरा दाल, और एक है ढोकला। तो ये स्पेशल फूड है स्टेट वाइज। जैसे कि ये हो गया गुजरात में, बंगाल की बात करें तो वहाँ पे मछली चावल बहुत फेमस है, वहाँ का फूड है, ज़्यादातर लोग यही खाते हैं, मछली चावल। उसके बाद है बिहार की बात करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम कहाँ का है? बिहार का, तो वहाँ से रिलेटेड जो फूड होंगे उसके बारे में पूछा जाएगा। तो बिहार में क्या है? लिट्टी चोखा, ये बहुत फेमस है, लिट्टी चोखा। मुंबई में आपका पाव भाजी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, पाव भाजी। गुजरात में क्या था? खाखरा दाल, बंगाल में मछली चावल, बिहार में लिट्टी चोखा, मुंबई में पाव भाजी। तो ये सारे क्या है? स्टेट वाइज फूड हैं। एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हांगकांग में, हांगकांग कहाँ है? चीन में।
हांगकांग में सांप खाया जाता है, मतलब वहां पे सांप का व्यंजन खाया जाता है। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लिंग हू फेन, लिंग हू फेन के नाम से जाना जाता है। इस व्यंजन का नाम रखा गया लिंग हू फेन, जहाँ पे सांपों को खाया जाता है। ठीक, तो ये सारे क्या हो गए, जितना एनसीईआरटी और एससीईआरटी में दिया है बस उतना ही हम देखेंगे। इसके बाद आएगा कि जितने भी जीव होते हैं तो उनका भोजन करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। कोई भोजन को चबा कर खाता है, कोई उसको डायरेक्ट निगल लेता है, और कोई उसको चोस कर खाता है। तो वो उन जीवों के बारे में हमें जानना चाहिए कि कौन से जीव हैं जो अलग अलग तरह से भोजन करते हैं। जैसे पहला क्या है, चबा कर खाने वाले जानवर, चबा कर खाने वाले जानवर। तो इसमें तो आप आसानी से पता कर लेंगे कि कौन कौन से ऐसे एनिमल होते हैं, जीव होते हैं जो चबा कर भोजन करते हैं। जैसे घोड़ा हो गया, बकरी हो गई, मनुष्य। हम मनुष्य भी किसमें आएंगे, चबा कर हम लोग, क्योंकि चबा कर भोजन खाते हैं। तो घोड़ा है, बकरी है, मनुष्य है, शेर, ये सब ऐसे जानवर हैं, ऐसे जंतु हैं जो अपने भोजन को चबा कर खाते हैं। फिर दूसरा आएगा, निगल कर, खाने वाले जानवर। तो निगल कर कौन से जानवर खाते हैं, जैसे सांप है, छिपकली, सांप हो गया, छिपकली हो गया, मेंढक। तो ये ऐसे जानवर है जो कैसे भोजन करते हैं, निगल कर। उसके बाद आएगा थर्ड है आपका कि चूस कर। चूस कर कौन से जंतु हैं जो भोजन करते हैं, इसमें है आपका जैसे तितली। तितली क्या करती है, फूलों के ऊपर बैठती है और उनका रस चूसती है। तो तितली किसमें आएगी, चूस कर भोजन करने वाले जानवरों में। तो तितली हो गया। और है आपका जैसे खटमल, ये क्या करता है, खून चूसता है। मच्छर, ये भी खून चूसेगा आपका। ठीक, तो ये सारे जानवर कैसे हैं, चूस कर, जो कि चूस कर भोजन करते हैं। तो ये हो गया हमारा कैटेगरी कि एनिमल जो है वो भोजन कैसे करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जैसे प्लांट्स है, तो प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं, रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। बर्ड्स हैं, तो हम प्लांट्स को बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, उसको वेजिटेबल्स के रूप में ना। तो वो चीज़ें हम देखेंगे कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं जो एडिबल होते हैं, और कुछ उसके हम वेजिटेबल्स नेम भी देखेंगे कि हाँ कौन सा ऐसा वेजिटेबल है जो रूट, जिसकी हम रूट खाते हैं, कौन सा ऐसा वेजिटेबल है जिसकी हम स्टेम खाते हैं, फूल है, फली है, तो वो हम यहाँ पे एक बार देखेंगे। जैसे पौधों के खाने वाले भाग,
यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पौधों के खाने वाले भाग मतलब एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे रूट के बारे में मतलब जड़, ठीक। रूट में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रूट हैं जिन्हें हम खाते हैं, है ना। सारे रूट तो नहीं खाते हैं, जैसे सरसों है, सरसों की रूट क्या है, उसको हम नहीं खाते हैं, उसको कौन खाता है, जानवर खाते हैं। तो कुछ ऐसे रूट हैं जैसे मूली। मूली क्या है, मूली एक रूट है ना, वो किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का मॉडिफिकेशन है, तो हम मूली को एज अ रूट खाते हैं। गाजर है, चुकंदर है, तो ये सारे वेजिटेबल्स कैसे हो गए, जिन्हें हम रूट के जैसे ना, रूट होगी तो उसको खाते हैं। दूसरा क्या है, रूट के बाद आपका स्टेम मतलब तना। स्टेम से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वेजिटेबल है जो जिसके स्टेम खाई जाती है। तो सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए आलू क्या है, आलू जमीन के अंदर पाया जाता है लेकिन वो रूट नहीं है, वो क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो आलू हो गया, और आपको जैसे अदरक, ये भी स्टेम ही है। जैसे हल्दी देखा होगा आपने, हल्दी जो बनती है वो किस क्या होता है, वो स्टेम ही होती है, मतलब राइजोम होता है। तो आलू हो गया, और एक है कमल ककड़ी। कमल ककड़ी इसकी भी क्या खाते हैं, हम स्टेम खाते हैं। थर्ड है आपका पत्ती, लीव्स। तो लीव्स में तो इजीली पता है आपको कि क्या क्या होगा, जैसे कि पत्ता गोभी। पत्ता गोभी क्या है, लीव्स है। पत्ता गोभी हो गया, पालक है, अरवी। अरवी के पत्ते की भी हम सब्जी खाते हैं, तो क्या होगा, अरवी। ये सारे क्या हैं, पत्तियां मतलब लीव्स होती हैं जिन्हें हम एज ए फूड यूज करते हैं। फोर्थ है आपका कली, बर्ड जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बर्ड। तो बर्ड में क्या है, बर्ड में जैसे कि लॉन्ग, लॉन्ग आपने देखा है, तो लॉन्ग किसका पार्ट है, वो एक कली होती है, ना कि स्टेम रूट या फिर लीव्स या फिर ये सारी चीजें नहीं, वो क्या है, एक कली है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग। कली के बाद आएगा फूल, फ्लावर्स। फ्लावर में तो अभी हमने देखा था जैसे कि केला है, कचनार है, फूल गोभी है, फूल गोभी और एक सहजन, और बहुत सारे होते हैं वेजिटेबल्स जिनका हम क्या खाते हैं, फूल खाते हैं, मतलब फ्लावर्स एडिबल होते हैं, एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट्स। सिक्स है बीज। प्लांट के बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो वो बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि हमें कोई भी जीव जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंड होता है, प्लांट्स पे ही डिपेंड होता है। तो सीड में तो बहुत सारी सीड, अब जैसे कि चाय है मतलब टी है या कॉफ़ी है, तो चाय की हम क्या पत्तियाँ यूज़ करते हैं, चाय में क्या यूज़ करेंगे, पत्ती। लेकिन अगर कॉफ़ी की बात करें तो वहाँ पे लीव्स नहीं, कॉफ़ी जो प्लांट होता है उसकी लीव की जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सीड, मतलब सीड से कॉफ़ी बनती है। तो एक कॉफ़ी ट्री जो हो जाएगी वो भी इसी में आएगा, जैसे सरसों है, मूंगफली है, जो भी दलहन फसलें हैं उनका भी हम क्या यूज़ करते हैं, सीड यूज़ करेंगे।
या फिर कह सकते हैं जो दालें होती हैं। जैसे कि मूंग की है, अरहर की है ना, अरहर की हो गई। तो ये सारी चीजें क्या हैं कि हम सीड यूज करते हैं, इनका सब एडिबल पार्ट जो होता है वो सीड होगा। ये क्या हो गया फूड का। फूड हमने दो टॉपिक लिया, जिसमें पहले क्लास में हमने देखा कि फूड क्या क्या होता है, और उसके बाद हम दूसरे टॉपिक में देख रहे हैं कि फूड का कौन सा पार्ट एडिबल होता है, कौन सा पार्ट एडिबल नहीं होता है। और उसके बाद हमने अदर अदर स्टेट जो इंडिया के हैं वहाँ के फूड देखे कि कौन से स्पेशल फूड होते हैं। जैसे कि इडली, एक बताना भूल गई, जैसे इडली डोसा है, इडली डोसा कहाँ का है? ये दक्षिण भारत का, मतलब दक्षिण भारत के जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे ज्यादातर ये खाया जाता है, इडली डोसा। तो इडली डोसा कहाँ का है? दक्षिण भारत का। एक आपको और याद रखना है जिसका नाम है टैपियोका। टैपी ओका जो कि एक रूट होती है, क्या होती है? रूट। इसका जो उपयोग करते हैं वो कहाँ पे है, किस स्टेट में? केरल में। केरल में टैपियोका भी खाया जाता है। तो ये सारे जो क्या हो गए कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गए जो आपको याद रखना है अपने एग्जाम पॉइंट से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।